मुझे ऐसा लगता है किसान बिल को लेकर के पूर्वाग्रह से किसान संगठनों को अब उबरना चाहिए। अगर परंपरागत रास्तों से किसानों का भला हुआ होता तो देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहे होते। किसान बिल किसानों की खुशहाली और प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी होगी, इस दिशा में एक कारगर भूमिका का निर्वहन करने के लिए संकल्पित है। और इसीलिए जिन प्रावधानों को लेकर के आशंकाएं हैं उस पर जब केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, उनकी ओर से लगातार ये पेशकश जारी है, फिर भी एकतरफा आंदोलन को बढ़ाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसानों के हित में भी नहीं है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि हम लोगों को काफी सतर्क रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम लोग में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट या गलत एलिमेंट तो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर बात हमसे करना चाहती है तो हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, वो बात करेगी। इस लचीले रुख का हम सबों को स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने खुद अगर ये महसूस किया है कि आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व दिशा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं तो निसंदेह उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जहां तक केंद्र सरकार की ओर से प्रयास का सवाल है तो अगर किसान संगठन भी मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है अपने वर्करों से कि कल हंगर स्ट्राइक रखें फार्मर के सपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी की जो अवसरवादिता है और संकट में अक्सर अवसर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो उनके दोहरे मानदंड हैं उससे भी किसान संगठन परिचित हैं। अभी उन्होंने एपीएमसी एक्ट को दिल्ली में खत्म किया। एपीएमसी एक्ट का वर्तमान स्वरूप बदल करके उसमें फल और वहाँ अनाज को उन्होंने इसके दायरे से बाहर निकालने की बात की और उसके बाद फिर से वो किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे दोहरे चरित्र को किसान संगठन भी पहचानते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज उत्तराखंड से कुछ किसान संगठन आए हमसे मिले, उन्होंने उस कानून को समझा और सही बताया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और संवाद का सिलसिला शुरू हुआ ये स्वागत योग्य कदम है, इसलिए कि जो भ्रम है और जिस तरह अफवाह फैलाया जा रहा है उसमें तार्किक तरीके से प्रावधानों पर बातचीत एक स्वस्थ संदेश देने का काम कर सकता है। कमल हसन ने भी इलेक्शन जो तमिलनाडु में उसके लिए प्रचार शुरू कर दिया। कमल हसन निसंदेह फिल्म उद्योग की एक बड़ी शख्सियत है और दक्षिण में फिल्मी सितारों की फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है, उनको चाहने वाले लोग लाखों करोड़ों होते हैं और इसलिए ऐसे लोगों की भूमिका अगर राजनीति में है तो ये स्वागत योग्य है। कैलाश विजयवर्गीय ने सेंट्रल फोर्स को इमीडिएटली डिप्लॉय करने की मांग की है वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से वहां माहौल बने हुए। केंद्र राज्य संबंधों के निर्वहन की जवाबदेही दोनों ही पक्षों पर है। राज्य सरकार को ऐसे कदम केंद्र न उठाए इसके लिए विवश नहीं करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। ये एनसीपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को क्लेरिफाई करना चाहिए कि उस प्रोटेस्टर में नक्सल भी हैं, माओइस्ट भी हैं, क्या वो चाइना से हैं? ये सवाल करने के पहले शरद पवार जी से ये जरूर पूछना चाहिए कि 2010-11 अगस्त को उनके जारी पत्र में जिन प्रावधानों की वो हिमायत कर रहे थे आज उन प्रावधानों के खिलाफ क्यों दिख रहे हैं। ये ज्यादा प्रासंगिक सवाल है और इधर उधर की बात करने के बजाय उनके रवैये में जो ये आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है इसकी वजह क्या है, ये जरूर देश के सामने उन्हें सच को रखना चाहिए।